जिस देश की लगभग 80% आबादी हिंदू हो, वहीं रहकर हिंदू धर्म से कोई नफरत कैसे कर सकता है। लेकिन सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी वोट बैंक को भुनाने के लिए ये डॉटेड इंडिया वाले नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालिया बयान डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी और कहा कि इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये कोई पहली बार नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के हिंदू विरोधी बयान। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हिंदू धर्म कुछ नहीं, बस कास्ट बेस्ड सोसाइटी को चलाने का कोड है, जो इंडिया के लिए खतरनाक है। असम से कांग्रेस नेता भूपेन बोहरा ने कहा कि महाभारत में लव जिहाद है। कांग्रेस के सतीश झारकियोली ने मानव बंधुत्व वेद की किताब का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू दरअसल पर्शियन शब्द है, जिसका अर्थ बहुत गंदा होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो शबरी के जूठे बेर खाए वो राम भगवान है। ये लोग दलित पर अत्याचार करते हैं, ये हिंदू नहीं है। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और हम दलितों और ये लोग दलितों का अपमान करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं, और ये तो हिंदुत्व तो नहीं है। इसके पहले भी 2016 में केजरीवाल ने हनुमान जी की एक इमेज ट्वीट करके अपमान किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवाधारी नेता शादी नहीं करते पर रेप करते हैं। डीएमके के ए राजा ने कहा कि अगर आप हिंदू हैं यानी आप शूद्र हैं, और शूद्र यानी वैश्या की संतान। हिंदुवाग इरुकर वरे सूत्रन, सूत्रनाग इरुकर वरे नान विवच नी विवचारी मगन। ममता बनर्जी हिंदू होकर भी हिंदुओं की कट्टर दुश्मन है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिए। रामनवमी जुलूस को रोकेंगी नहीं, मुस्लिम इलाके पर हमला तो खैर नहीं। हमें रामनवमी मिचिल अटकाबो ना, किंतु मने रखो मिचिल अमराव करबे তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইন আইনত পদক্ষেপ নেবে। আপনি পুছে মমতা ব্যানার্জি সে কি ক্যা হিন্দু দঙ্গাই হ্যা জো মমতা ব্যানার্জি উনহে ধমকি দে রহি হ্যা। জয় শ্রী রাম স্লোগান কা বিরোধ করতে হুয়ে উনহোনে কাহা কি ইয়ে লোকাল নাহি থে, বাহার কে লোক থে অর ভড়কাউ নারে লাগা রহে থে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি, বাইরে আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। মমতা দিদি জরা বাতাইয়ে কি জয় শ্রী রাম কেসে ভড়কাউ হো গিয়া। মমতা কি হি পার্টি কে বড়বোলি মহুয়া মৈত্রা নে ব্রাহ্মণো কো চোটি ওয়ালা রাক্ষস কহ দিয়া অর কালী মা কো শরাব লেনে ওয়ালি দেবী বাতা দিয়া। লালু প্রসাদ যাদব কে হিসাব সে হিন্দু ভি গোমাস খাতে হ্যা। জো খাতা হ্যা খাতা হ্যা, হিন্দু মে নাহি খাতা ক্যা ভি। जो बाहर जाता बीफ खा रहा कि नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय या बकरा से क्या फर्क है भाई। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि राम और कृष्ण का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और ये केवल मिथक है, वहीं पेरियर आइडियोलॉजी प्रामाणिक है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने कहा कि कथा सुनकर ताली बजाने वाले हिजड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान ने कहा कि ऑरेंज फफूंद समाज के सारी फफूंदों का कारण है, यानी भगवाधारी सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। आम आदमी पार्टी का नेता और दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अपने पैसे और पावर के दम पर हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। डीएमके के आर राजीव ने कहा कि अगर बराबरी लानी है तो सभी ब्राह्मणों का कत्ल करना। सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के नेता ही नहीं, हिंदुओं को नीचा दिखाने में डॉटेड इंडिया के कर्णधार कांग्रेसी महामहिम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं। राहुल गांधी ने 2014 में एक बयान देकर कहा कि जो लोग कहने को देवी की पूजा करते हैं लेकिन बसों में उन्हें छेड़ते भी हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मोदी जी को और सपोर्ट मिलता है तो इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस का राज होगा, हमें इसे रोकना होगा। ये सिर्फ
कुछ उदाहरण है। लिस्ट अभी और भी लंबी है और कभी ना खत्म होने वाली है। सवाल यह है कि क्या सेक्युलर होने का मतलब हिंदू धर्म से नफरत करना है? क्या दूसरे धर्मों का तुष्टीकरण केवल एक धर्म को नीचा दिखाकर किया जा सकता है? सनातन धर्म को खत्म करना जरूरी है से लेकर जय श्री राम भड़काऊ है तक के बाद एक विपक्ष गठबंधन के नेता हिंदू विरोधी बयान करते रहे हैं। देखिए किसने कब कब क्या क्या कहा और सोचिए कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों?